दोस्तों, क्या ड्रीम इलेवन एक सट्टा कंपनी है? अगर है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर रही है? ऊपर से इन्वेस्टर ने इसे करोड़ों की वैल्यूएशन पे पैसा दिया है, तो कुछ तो बात होगी जो हमें नहीं पता और इन्वेस्टर को पता है। लेकिन भाई, सबके दिमाग में एक बात तो आती ही होगी कि ड्रीम इलेवन पैसा कमाता कहाँ से, और दिन ब दिन इसकी प्रॉफिट और पॉपुलरिटी बढ़ ही रही है। क्या है इसके पीछे का राज, और गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर रही है, और ड्रीम इलेवन को खेलने वालों को क्या फायदा होता है? ये सब पे से आज करेंगे पर्दाफाश। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज के सबसे बड़े चेहरे हर्ष जैन, जिन्होंने 2008 में ड्रीम इलेवन की शुरुआत की थी, जो कि एक इंडियन है और यूएसए से पढ़ाई की है। इन्हें सोचा कि यूएसए में स्पोर्ट को लेके काफी फैंटेसी है, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में क्यों ना इसे अजमाया जाए, क्योंकि उस समय इंडिया में इतनी फैंटेसी हुआ नहीं करती थी। तो 2008 में हर्ष जैन जी ने ड्रीम इलेवन को स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ ज्यादा पता नहीं था, कुछ नया नया ट्राई करते रहे। और फिर 2012 में ऑफिशियल ने इन्हें इसको लॉन्च कर दिया, और उसके 2 साल बाद में ही इनके 1 मिलियन यूजर हो गए, और 2016 में हुए 2 मिलियन जो प्लेटफॉर्म पे आते और गेम खेलते। और फिर जो कि किसी ने नहीं सोचा वह हो गया, 2018 में 45 मिलियन यूजर हो गए, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ यूजर। और 2019 आते आते इनका रेवेन्यू था 2000 करोड़ प्लस, और यह इंडिया की फर्स्ट गेमिंग कंपनी बन गई जो यूनिकॉर्न कहलाने लगी। दोस्तों, यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो। लेकिन हम सबके मन में यह बात तो आती है कि इतनी तेजी से यह कैसे यूनिकॉर्न बन गई, ऐसा तो क्या तूफान मचा दिया। ड्रीम इलेवन का रेवेन्यू मॉडल समझ लेते हैं। यह अलग अलग गेम मॉडल खिलाती है, और इसमें बहुत कम लेवल पे एंट्री होती है। तो हम एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। अगर आपने 99 रुपये देकर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है, और ऐसे ही 1 लाख लोग इसके अंदर हिस्सा लेते हैं, तो टोटल होता है 1 करोड़ रुपये। और इसमें से 80 लाख रुपीस यह बांट देते हैं, और जो 20 लाख बचा, यही इनका बिजनेस मॉडल है। जीते कोई हारे कोई, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो भाई इनका 20% मिल गया। और भाई, यह खाली क्रिकेट में ही नहीं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे कई तरह के गेम हैं, आप उन सब पर टीम बना सकते हो, यही उनका रेवेन्यू मॉडल जनरेट होता है। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि क्या ये सट्टा है, और इंडिया में क्या ये लीगली है। सट्टे में दो इंसान पैसा लगाते हैं, एक या तो जीतता है या एक हारता है, लेकिन जो बुकी होता है उसको तो पैसा मिलता ही है। तो हम सब यही कहेंगे कि ड्रीम इलेवन में भी तो यही होता है, कोई जीतता है कोई हारता है, तो क्या ये भी एक सट्टा है? तो कई लोगों ने ड्रीम इलेवन पे कोर्ट में केस कर दिया, कहा कि कंपनी सट्टा खिलाती है, कई लोग बर्बाद हो गए, कई लोगों को लत पड़ गई, ऐसा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की जांच की, ड्रीम इलेवन ने अपना पक्ष रखा। फाइनली कोर्ट ने फैसला सुनाया ड्रीम इलेवन के पक्ष में, कहा कि यह सट्टा नहीं है। सट्टा वो होता है जहां विनिंग के चांस लक से होते हैं, और ड्रीम इलेवन गेम में लक नहीं, यहां गेम ऑफ स्किल है। जब भी ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हो तो आपको फुल आज़ादी है कि दोनों टीम में से आप चाहे वह पसंद खिलाड़ी कर सकते हो। तो यह स्किल का काम है, इसमें लक नहीं है। जब कोई बंदा टीम बनाता है तो वह खिलाड़ियों का पास्ट परफॉर्मेंस, पिच रिपोर्ट, सब कुछ देख के अपने दिमाग से टीम बनाता है। तो अगर आपने ड्रीम इलेवन में पैसा कमाया तो तुक्के से नहीं कमाया, आपने अपनी स्किल और दिमाग को यूज करके कमाया है। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। ड्रीम इलेवन टीम है तो मजा है। दिमाग लगाना है तो ड्रीम इलेवन पे लगाना। मेक योर टीम नाउ। ड्रीम इलेवन, मेक योर टीम नाउ। और दोस्तों, यह गेम ऑफ स्किल है, इसमें लक नहीं चलता है, क्योंकि इसमें आप अपना दिमाग लगा रहे, और यहाँ मिक्स टीम बनती है। किसी भी टीम में से आप 7 प्लेयर से ज्यादा नहीं ले सकते, और सेकंड टीम में से कम 4 प्लेयर लेना होता है। तो यहाँ हम टीम पे बैट नहीं लगाते कि कौन जीता कौन हारा, यहाँ हम प्लेयर के परफॉर्मेंस पे बैट लगाते हैं, वो भी दोनों टीम पे। इसलिए अब ये क्लियर हो गया कि यह इलीगली नहीं है। और हाँ, ये कोर्ट का जजमेंट है जो आपको सुप्रीम कोर्ट अपलोड ड्रीम इलेवन फैंटेसी वर्ल्ड फॉर्मेट एज ए गेम ऑफ स्किल। तो दोस्तों, कोर्ट का जजमेंट आने के बाद ये क्लियर हो गया कि ड्रीम इलेवन इलीगली गेम नहीं है, लेकिन उसकी छवि खराब हो चुकी थी। तो दोस्तों, वो सुधारने के लिए ड्रीम इलेवन ने खिलाड़ियों को लेके एड बनाया,
आमिर खान को लेके एड बनाए ताकि उसकी जो मार्केट में छवि खराब है वो सुधर सके। इसे खेलने से हमारा काफी नुकसान तो नहीं होता, लेकिन समय की बर्बादी अवश्य होती। 2 से 3 घंटे टीम बनाने में चले जाते हैं, फिर बार बार स्कोर देखने में समय चला जाता है, और हाँ, लाखों करोड़ों में से किसी एक को मिलता है, बाकी सबका टाइम तो वेस्ट ही जाता है ना। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या मानना है? ये खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? गवर्नमेंट तो इसे लीगली कर दिया है, क्योंकि उसे तो टैक्स मिलता है इसमें से। आपकी राय कमेंट में अवश्य बताएं कि सरकार को इसे बैन करना चाहिए या नहीं। इस ऑनलाइन गेम से क्या क्या नुकसान हो रहा है यंग जनरेशन को आपके नज़रिए से? और हाँ, अगर आपको लगता है कि ड्रीम इलेवन से फ़ायदा भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि कई लोगों को इसके बारे में मालूम चल सके, क्योंकि हर इंसान का सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। हो सकता है आपके कमेंट से किसी को फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।